हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो कि हमारा सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 मोशन, क्लास 9th की साइंस का। एंड दिस इज गोना बी पार्ट 3 फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर मोशन। सो स्टूडेंट्स, इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाने हैं या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाने हैं, राइट? किसी भी पर्टिकुलर मोशन के लिए, अब चाहे वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन हो। आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू यू। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी कैन रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम। किसी भी मोशन के ये जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम वेलोसिटी v से डिनोट कर देते हैं, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस जिसको हमने s से डिनोट किया था, और टाइम t, इन सभी क्वांटिटीज को किसी भी मोशन में, और जब वो मोशन स्पेसिफिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो एक स्ट्रेट लाइन में, तो हम इन सबको एक दूसरे से रिलेट करके इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास टिपिकली 3 इक्वेशंस निकल के आती हैं, और वो 3 इक्वेशंस को ही हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये तीनों इक्वेशंस जो कि 3 हैं, इनको मैं यहां आपके लिए लिख देती हूं, फिर हम उनको डिराइव करना सीखेंगे। तो फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आफ्टर दैट वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इस इन सभी तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन कैसे होती है हमारे पास। इसके लिए हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में, तो हम देखेंगे हमारे पास ग्राफ वेलोसिटी टाइम एक्सिस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो इस तरीके से आएगा, जिसके अंदर वेलोसिटी हमारे पास उसी रेट से चेंज होगी जिस रेट से समय में बदलाव आता है, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या है, जब हमारे पास टाइम हमने जीरो लिया, यानी जब हमने हमारी मेजरमेंट जस्ट स्टार्ट की है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उस मोशन में। सो लेट्स से हमने इसको स्मॉल u से डिनोट कर दिया, इस पॉइंट को, a पॉइंट को। फिर हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास वेलोसिटी की भी वैल्यू बढ़ती है, और वो भी यूनिफॉर्मली बढ़ती है। इसका मतलब कि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। तो हम देखते हैं, इसके अंदर हमने ले लिया फाइनल पॉइंट, हमारा मोशन b तक जाता है। अब b के कोरिस्पोंडिंग हमने देख लिया कि टाइम तो है हमारे पास t, स्मॉल t, और ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये हमारे पास u से चेंज होकर के हो गई है अब स्मॉल v, राइट? और हमने इस तरीके से ये डॉटेड लाइंस एक्सटेंड कर दी पॉइंट b से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली। अब हम देखेंगे इस ग्राफ के अंदर कि वी हैव गॉट पॉइंट्स o एज ओरिजिन, a, b, दिस c, d एंड e पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास है b c इज इक्वल टू b d प्लस d c, राइट? We have BC is equal to BD plus DC. अब यहां से अगर हमें BD की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, इस कंप्लीट BC में से CD माइनस कर दें, और we have BC की वैल्यू क्या है V, और इस CD की वैल्यू क्या है OA के इक्वल, यानी कि U। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो मिल गया, वो है बी डी की वैल्यू इज इक्वल टू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इसी दौरान हमारे पास टाइम क्या है,
ए से डी तक वी हैव ए डी इज इक्वल टू टाइम टी, राइट। अब वी नो दैट कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी वैल्यूज यहां रख देंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, राइट। और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। इसका मतलब कि जब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो ये a यहां से जब राइट हैंड साइड, t यहां से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, और v जब राइट हैंड साइड, सॉरी u जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो एड होगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जस्ट दो से तीन स्टेप्स की डेरिवेशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके आने के लिए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ्स प्लॉट करने आ जाएंगे, लेकिन वो डरते किससे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कैसे करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से यहाँ पे समझा रही हूँ कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये एक अच्छा सा ग्राफ बनाना है। इसके अंदर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पॉइंट्स किस किस चीज को डिनोट करते हैं, और फिर आपको अकॉर्डिंगली लिखना है। सिंपली आपको याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें चाहिए होता था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हमने एक्सेलरेशन ए से डिनोट कर दिया और फिर इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, एंड वी गेट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना होता है, हमारे पास हमें चाहिए होता है इसके अंदर पोजिशन, यानी कि हमें चाहिए होगा पोजिशन और टाइम के बीच में रिलेशन, राइट। उसको भी हम इसी ग्राफ से डिराइव करेंगे। कैसे देखते हैं, हमें पता है कि ये जो स्लोप होती है किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ के अंदर, तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को, वेरी गुड। और इस स्लोप के अंदर जितना भी एरिया कवर्ड होता है, ये कंप्लीट एरिया, ये किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, राइट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय, या फिर एरिया एनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी, राइट, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है। तो हमें इसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड होता है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू, अभी सेकेंड के लिए हम काम करेंगे, ये फर्स्ट की डेरिवेशन हो गई। मैं चाहती हूं कि आपको तीनों डेरिवेशन एक ही पेज पे अच्छे से समझा दी जाए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो देखते हैं सेकेंड की डेरिवेशन। इसमें है हमारे पास, हमें एरिया चाहिए होगा ओ ए बी सी, तो वी विल राइट एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल का एरिया प्लस में एरिया ऑफ ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, राइट। अब देखेंगे ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी डी ट्राइंगल का एरिया, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है इसका ए डी, और ए डी की वैल्यू है हमारे पास टाइम स्मॉल टी, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है बी डी, और बी डी की वैल्यू मैं यहां पे अलग से डिनोट कर देती हूं वी माइनस यू, यहां से यहां तक की वैल्यू। ये कैसे मिली, क्योंकि यहां से यहां तक की कंप्लीट वैल्यू थी वी, और डी से सी तक की वैल्यू है हमारे पास यू, और बी से सी तक की वैल्यू है हमारे पास वी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक अभी आपको और अच्छे से क्लियर है कि v माइनस यू हमारे पास क्या आएगा, v माइनस यू, और दैट इज इक्वल टू bd। सो वी हैव हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज v माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, OADC इसका एरिया क्या किसका इक्वल होगा, दिस टाइम
इंटू दिस वेलोसिटी, यानी कि यू इंटू टी, यू इंटू टी, और ये इसका एरिया किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। अब इसको हमें अरेंज करना है, वी विल गेट एस इज इक्वल टू यू टी, ये यू टी हमने लिख दिया, प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब यहां से अगर हम v माइनस यू का वैल्यू निकालें तो वी विल गेट इज इक्वल टू ए टी, राइट। तो v माइनस यू ना लिख के हम लिखेंगे a इंटू टी, और t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से दो या तीन पॉइंट्स की डेरिवेशन में ही हमने इसको समझ लिया कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं। दो इक्वेशंस डिराइव हो गई, अब हम देखते हैं तीसरी इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन के लिए हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, अगर हमें ये दो निकालनी आ गई तो तीसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे, जैसे कि हमने तीसरी में सेकेंड में निकाला था एरिया ऑफ ओ ए बी सी, राइट। ओ ए बी सी इट विल गिव यू वॉट, डिस्टेंस एस। और हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस का ही रिलेशन निकालना है, वो भी इस बार वेलोसिटी से निकालना है, और पहली बार हमने टाइम के साथ निकाला था। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी का एरिया लेंगे ओ ए बी सी, राइट। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए बी सी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, सॉरी ये पैरेललोग्राम ना होके हमारे पास ट्रेपीजियम है, दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस, ये ट्रेपीजियम है। कैसे, जिसके अंदर ओ ए इज पैरेलल टू सी बी, यानी कि दो साइड्स क्या है, पैरेलल, और बची हुई दो साइड्स अनपैरेलल है। इसका मतलब कि दिस इज अ ट्रेपीजियम, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर जो कि ट्रेपीजियम है, एंड वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, राइट। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे हाफ ऑफ, अब सम ऑफ दीज पैरेलल साइड्स, यानी कि ओ ए प्लस सी बी, अब इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओ ए क्या है हमारे पास, वेरी गुड, यू, प्लस बी सी क्या है, कंप्लीट, वी, वेरी गुड, और इनटू हाइट क्या है इस केस में, ओ सी, राइट। तो ओ सी की वैल्यू क्या है, टी। अब हमें इतनी इक्वेशन मिल गई, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है यहां पे, एस की, डिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि हमने निकाला तो वही एरिया है ना जो इस इक्वेशन में निकाला था, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, यानी कि इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया था वो क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस एस। तो अब हम क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू इक्वेशन वन से पुट करेंगे। हमने जब सेकेंड इक्वेशन निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, तब भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प ली थी वी माइनस यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब थर्ड में भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की ही हेल्प लेंगे t की वैल्यू पुट करने के लिए। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए, राइट। वी हैव t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही वैल्यू हम रख देंगे, हाफ ऑफ u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन ए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो किसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन मैं यहां लिखती हूं। अब हमारे पास क्या आएगा यहां से, वी विल गेट s इज इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन s अपॉन a। अब इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. दिस इज वेरी सिंपल. आपने भी देखा, आपको जस्ट ये ग्राफ प्लॉट करना है, फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन. इसी पॉइंट का यूज करते हुए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे. फिर हमें क्या चाहिए होता है, अब एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया, नाउ वी वॉन्ट कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, यानी कि इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया आता है उसकी वैल्यू निकालनी है. अब वो दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक, हम इन दोनों फिगर्स का अलग अलग सम लें, वहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी. और दूसरा, जब हम कंप्लीट इस फिगर को एक ट्रेपिजियम माने क्या ये ट्रेपिजियम है ही, और फिर एरिया ऑफ ट्रेपिजियम हम यहां पे यूज करें जो कि होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. और बस आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, हेंस वी हैव डिराइव्ड एंड दिस कंप्लीट टॉपिक इज ओवर हियर. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसके ऊपर अक्सर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कि होट्स क्वेश्चन बन के भी निकल के आते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसको समझने के लिए वी हैव आवर पॉइंट कि वेलोसिटी, वी नो वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये चीज हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं कि क्यों है. क्यों, मैं यहां फिर से रिवाइज कर देती हूं. दो पॉइंट्स हैं इसके. नंबर एक, तो वेलोसिटी के पास अपना एक मैग्नीट्यूड है, और दूसरा वेलोसिटी के पास अपनी एक डायरेक्शन है. आई होप आप सब लोगों के दिमाग में अब यही पॉइंट आ गया होगा कि डायरेक्शन ही वही एक मेजर रीजन है कि वेलोसिटी हमारी स्पीड नहीं होती. हालांकि वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूडिनल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो सकती है. हो सकता है स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड हो और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी तो हमें मालूम होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट या फिर हमारा मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. लेकिन जब स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हमारे मोशन की डायरेक्शन क्या है. सो डायरेक्शन इज द फैक्टर जो वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है. तो स्टूडेंट्स, अब ये चीज भी क्लियर है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स वेलोसिटी में चेंज होगा, और अगर हम मैग्नीट्यूड सेम रखें डायरेक्शन बदल दें हमारे मोशन की तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा. क्यों, क्योंकि डायरेक्शन उसका एक फैक्टर है, राइट. मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन जो चेंज आएगा वो होगा उसकी डायरेक्शन में, और इसी वजह से वेलोसिटी में भी चेंज आएगा. इस पॉइंट को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं. जैसे कि एक रनर है, एथलीट है, उसने पॉइंट ए से बी तक दौड़ लगाई, राइट. अब उसने क्या किया, ग्राउंड की जो शेप है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप. बी से सी पे आया, सी से उसने डी पे डिस्टेंस कवर की, और डी से वो फिर से क्या हुआ, ए पे गया. तो जब इसने यहां से स्टार्ट किया था तो इसने वापस से इसी पॉइंट पे आने के लिए कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज की. चलो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि इसने रेस लगाई है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट. ये रही इसकी स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम. लेकिन क्योंकि हम यहां वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्शन भी है मोशन की. तो अभी देखेंगे कि फर्क क्या पड़ता है इस चीज से. ए पॉइंट से उसने दौड़ना शुरू किया, बी पॉइंट पे आया, यहां तक इसकी वेलोसिटी क्या है, सेम, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा और ना ही डायरेक्शन. अब बी से जब ये सी पे गया तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आया, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ठीक है. तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम नहीं रही, हालांकि मैग्नीट्यूड वही है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. ऐसे ही सी से जब वो डी की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो जो उसकी डायरेक्शन थी अब वो यहां पे फिर से चेंज हो गई. ऐसे ही डी से ए पे जाता है, फिर से चेंज हो गई, और फिर से उसने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में फेस किया. इसका मतलब यहां पे 4 टाइम्स वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, राइट. ऐसे ही अगर हम एक ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक ले लें, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला ट्रैक,
यानी कि 8 साइड्स हैं इसकी। अब इस मोशन में, इस तरीके के प्लेग्राउंड को कवर करते टाइम उस एथलीट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? ऑफ कोर्स 8 टाइम्स, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स। अब अगर हम मान लें कि हमने एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया, सर्कुलर ट्रैक, इसके अंदर तो नंबर ऑफ साइड्स होती ही नहीं है, राइट? इसका तो हर एक पॉइंट एक अलग ही दिशा को डायरेक्ट करता है, हर एक एडजेसेंट पॉइंट एक अलग दिशा को पॉइंट आउट करेगा, राइट? ये पॉइंट इस तरीके की दिशा को दिखाएगा, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में, यानी कि हर एक सबसिक्वेंट पॉइंट पे रनर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। रनर की डायरेक्शन क्या करेगी? हर एक सबसिक्वेंट पॉइंट पे चेंज करेगी। इसका मतलब कि वी कैन से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, यानी कि ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड रनिंग का सेम है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी। दिस इज नोन एज, अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी सो दिस इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? और रीजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों? क्योंकि हालांकि हमारी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हेंस वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, एंड वेन वेलोसिटी चेंजेस वी नो दैट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। सो वी कैन कंक्लूड दैट यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसी पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए कि किसी भी सर्कल पे, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, उसकी डायरेक्शन उसके टेंजेंशियल होती है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। हमने क्या किया, एक धागा लिया, स्ट्रिंग, और उसके एक एंड पे हमने क्या किया, एक पत्थर को बांध दिया। अब जो एंड फ्री है उसका, हमने उसको लिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो वी विल सी कि ये जो सर्कुलर मोशन है, अभी वो धागा और वो जो पर्टिकुलर स्टोन है यहाँ पे सेंटर है, इस तरीके से घूम रहा है, राइट? घूम रहा है। अब हमने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको छोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे कि फिर छोड़ने के बाद वो धागा सर्कुलर मोशन में ना घूमते हुए किसी भी एक दिशा में चला जाएगा। अब वो किसी एक दिशा में क्यों गया, सर्कल में क्यों नहीं घूमा? इसका रीजन यही है कि जब द मोमेंट वो स्ट्रिंग हमारे हाथ से छूटी, उस पॉइंट पे यहाँ पे जो स्टोन है उसकी डायरेक्शन यही थी, तो उसका जो मोशन है, क्योंकि अब वो यहाँ पे तो और बंधा नहीं हुआ, हमने पकड़ नहीं रखा, छोड़ दिया, तो अब वो फ्री हो गया तो अपनी नेचुरल डायरेक्शन में जाएगा। नेचुरल डायरेक्शन इसकी ये टेंजेंट ही था, जो इस सर्कल पे अगर हम ड्रॉ करें तब हमें मिलता है, राइट? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो थ्योरी पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम देखते हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, इससे चीजें और क्लियर होंगी हमसे कि हमने जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसको हम अप्लाई कैसे करें न्यूमेरिकल्स पे। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि कोई कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, आपको ऐसे वर्ड्स अंडरलाइन करते हुए चलना है। अंडरलाइन ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में करना है, बट आपके माइंड में वो चीज हाईलाइट होनी चाहिए। एक कार है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, राइट? और वही हम देखते हैं कि इसकी स्पीड यानी इसकी वेलोसिटी पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो बाद में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और कितनी डिस्टेंस कवर की इस दौरान उस गाड़ी ने। तो हम देखेंगे जो हमारे पास गिवन चीजें हैं, पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। वी हैव इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, राइट? फाइनल वेलोसिटी v हमारे पास कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। एंड हमारे पास टाइम कितना गिवन है? वी हैव 5 सेकेंड्स। अब हम देखेंगे कि हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये टॉपिक नया ही कवर किया है, तो आपकी सुविधा के लिए आई वुड लाइक टू राइट
वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। एक बार आपको ये याद हो जाए उसके बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप दिमाग में ही याद करके कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी न्यूमेरिकल में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगली है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले, टाइम है हमारे पास सेकेंड्स में राइट, और जो स्पीड गिवन है हमारे पास वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से राइट। और अगर आपको उसका रिवर्स करना हो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 18 × 5/18 यानी कि ये क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड। और इसका कन्वर्जन अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36 × 5/18 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, क्या नहीं है, एक्सेलरेशन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे और वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। वी हैव वी इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम हमें 5 सेकेंड्स गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एक्सेलरेशन। तो यहां से हमने देखा कि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो हम कोई भी जो दो इक्वेशंस ऑफ मोशन बची हुई है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है राइट, यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 5 × टाइम ऑफकोर्स 5 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 × टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर मतलब कि 5 × 5। वी विल गेट 25 + 25/2 एंड अपॉन सॉल्विंग वी विल गेट 37.5 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आई, 37.5 मीटर। स्टूडेंट्स इसको हम दूसरे फॉर्मूला से भी सॉल्व आउट कर सकते थे, जो कि था हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s राइट। तो हम क्या करेंगे, अपॉन 2a यहां रखेंगे और s यहां रख देंगे। इसमें भी अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये टॉपिक्स और आज का जो भी हमने डिस्कस किया विद न्यूमेरिकल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। इस दौरान अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी डिफिकल्टी आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। एंड स्टूडेंट्स इफ दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू आउट इन सॉल्विंग योर कंसेप्ट्स, इन क्लियरिंग योर डाउट्स, सो डेफिनेटली प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये वीडियो एटलीस्ट उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी खास जरूरत है या जिनको इसमें से हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।